दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कॉमन कंडीशन की जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन। ये जो फाइंडिंग है ये अक्सर एक अल्ट्रासाउंड में पाई जाती है, जब कोई अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है किसी यूरिन प्रॉब्लम के लिए मेल्स में, और एक फाइंडिंग सामने आती है उसके अंदर मेंशन होता है रिपोर्ट में प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन। तो उसके क्या मतलब हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे, क्या ये कैंसर का रिस्क है, लोगों के अक्सर ये क्वेश्चंस रहते हैं। आइए इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक मेल ऑर्गन होता है जिसका काम है कि सेमिनल सेक्रीशंस प्रोड्यूस करना। सीमेन की जो सेक्रीशंस होते हैं वीर्य की, वो प्रोस्टेट से सेक्रीट होती हैं। अल्ट्रासाउंड अक्सर करवाया जाता है उन मेल्स का जिनको कुछ यूरिन प्रॉब्लम चल रही होती है, कुछ यूरिन में इन्फेक्शन चल रहा होता है, या फिर एज अ पार्ट ऑफ एनुअल हेल्थ चेकअप जब करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसमें प्रोस्टेट की जानकारी भी दी जाती है। तो कई बार फाइंडिंग्स आती हैं कि प्रोस्टेट इज कैल्सिफाइड, प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन इज देयर। कई बार अल्ट्रासाउंड में ऐसा पाया जाता है, या फिर सीटी स्कैन या सीटी स्कैन किया जाता है उसमें ऐसा पाया जाता है। एमआरआई में इसके फाइंडिंग्स, ये वाली फाइंडिंग्स कम होती हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशंस कैसी बनती हैं? जब भी उसके अंदर कोई कैल्शियम डिपॉजिट होता है प्रोस्टेट के अंदर, और वो क्यों होता है ऐसा, एक जो प्रोस्टेटिक सेक्रीशंस होती हैं उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा एमाइलेशिया। कई बार इसके अंदर जो है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और जब हम एक्सरे करते हैं या फिर सीटी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वो चौक डिपॉजिट्स जो हैं ब्राइट दिखाई देते हैं, उसको हम प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशंस बोलते हैं। क्या इसकी वजह से कोई सिम्टम्स होते हैं? जी, कुछ लोगों को इसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिन में पेन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं जिसको, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, या फिर यूरिन में ब्लड आना। कभी कभी इसकी वजह से जो है, अगर प्रोस्टेट साथ में बड़ा हुआ है तो यूरिन रुक रुक के पास होता है, या फिर यूरिन पास करने में दर्द हो सकती है, यूरिन का स्पीड कम हो सकती है, और यूरिन बार बार जाने का मन करता है, यूरिन में जो है ब्लड आ सकता है। ये सिम्टम्स जो हैं प्रोस्टेट इन्फेक्शन के या प्रोस्टेटाइटिस के या इनलार्ज प्रोस्टेट के हो सकते हैं। कभी कभी इसके अंदर साथ में प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। अपने आप में ये कैंसर का कारण नहीं है, प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन की वजह से कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रोस्टेट कैंसर्स हैं उसके अंदर कई बार जो है प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन पाई जाती है। तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रोस्टेट कैल्सिफिकेशन का कैसे इसका हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? प्रिवेंशन के नाम पे एग्जैक्टली कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इसकी प्रिवेंशन, इसकी हम रोकथाम कर पाएं। जिन लोगों को इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं तो उसको, उन लोगों को प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपनों को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, और जो है प्रेफरेबली ज़्यादा वेजिटेरियन और कम एनिमल प्रोटीन्स खाएं, और पानी का इंटेक अपना वेल हाइड्रेटेड रहें। इससे जो है प्रोस्टेट हेल्थ ओवरऑल एक बेटर रहती है। स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए, टोबैको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल मॉडरेशन होनी चाहिए। तो ये सारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं ये ना केवल प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बट ओवरऑल वेलबींग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर होता है कि इन्वेस्टिगेट कैसे करवाएं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। मेन जो कंसर्न होता है कि इसकी वजह से क्या कुछ इसके साथ में कोई प्रोस्टेट कैंसर डेवलप तो नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट यूरोलॉजिस्ट द्वारा एक रेक्टल एग्जामिनेशन और साथ में पीएसए जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर होता है, ये करवाने चाहिए। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं जैसे कि इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स का लॉन्ग कोर्स दिया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोस्टेटाइटिस की। अगर कुछ प्रोस्टेट की इनलार्ज है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से यूरिन की रुकावट हो रही है, तो अल्फा ब्लॉकर फैमिली की मेडिकेशंस दी जाती हैं। कुछ लोगों में अगर बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेडिसिन से रिलीफ नहीं आ रहा है, तो उस कुछ कंडीशंस के अंदर सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। अगर प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग की जाती है। तो दोस्तों, कैल्सिफिकेशन अपने आप में एक हार्मफुल चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी उसके साथ में सिम्टम्स हो सकते हैं प्रोस्टेटाइटिस के, या फिर अगर डक्ट्स ब्लॉक्ड हो गई हैं, इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं मेल्स,
या फिर कुछ लोगों के अंदर जिनको कैंसर्स है उसके अंदर कैल्सिफिकेशंस प्रेजेंट हो सकती हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज, नई दिल्ली।